ऑनर 90 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू तो मैंने आपको दिखा दिया गाइस। अब आगे चल के ना कई वीडियोस आने वाले हैं जिसमें ऑनर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, और एक्चुअली में ये डिसाइड कर लेंगे कि क्या आप ऑनर का फ़ोन बाय करें ना बाय करें, बिकॉज 3.5-4 साल के बाद आप ऑनर का फ़ोन फिर से देख रहे हैं। अब कहानी आपने पहले देख ली है कि ऑनर के साथ अब क्या हो चुकी है और अब क्या सीन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये सेम ऑनर कंपनी नहीं है जो एग्जैक्टली पहले ऑनर के फ़ोन्स लॉन्च करती थी, जैसे कि सैमसंग है, वन प्लस है, इनके ऑफिसेज इंडिया में ही हैं और प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होता है, सब कुछ होता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू, PIL आप मान सकते हैं। ऑनर का भी ऐसा कोई सीन नहीं है। ऑनर टेक ब्रांड ने ऑनर से ब्रांड लाइसेंसिंग की है, जस्ट लाइक HMD ने नोकिया से नोकिया ब्रांड नेम और उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करने का लाइसेंस लिया। अब आप कहानी समझ गए होंगे, यानी कि अभी जो ऑनर के फ़ोन आने वाले हैं, स्पेशली ऑनर 90 जो आ रहा है, ये वही फ़ोन है जो ग्लोबल में कई महीने पहले लॉन्च हुआ था। सेम फोन इंडिया में आ रहा है, फॉलोड बाई ऑनर एक्स सीरीज, मैजिक सीरीज और सीरीज आने वाला है। तो आज मैं गाइस एक डिटेल में कैमरा टेस्ट परफॉर्म करना है ऑनर 90 का कुछ थोड़े से महंगे फ़ोन के साथ में। अब ये फ़ोन आपको 30-35 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, ऑफर ऑफर सब कुछ लगा हुआ के। तो कैमरा क्वालिटी डिसाइड करने के लिए थोड़े से महंगे फ़ोन भी हम लेंगे और अगली वीडियो में थोड़े से सस्ते फ़ोन भी लेते हैं हमें जब भी वो आएगा। तो फिलहाल हम 4 फ़ोन ले रहे हैं, ऑफकोर्स ऑनर 90 तो होगा ही, साथ में हम नथिंग फ़ोन 2, वन प्लस 11R एंड दी आईक्यू न्यू 7 प्रो, ये सारे फ़ोन आपको 30, 40, 45, 42 के रेंज में मिल जाते हैं। लेट्स सी किस फ़ोन की क्वालिटी ज़्यादा बेटर निकल के आती है। आज अगेन हम फिर से वही सिस्टम करेंगे, लाइक टोटल पॉइंट्स देंगे। पॉइंट का सिस्टम ये है कि अगर कोई फ़ोन फोटोज़ में ओवरऑल बढ़िया निकल के आ रहा है तो उसको हम 1 पॉइंट देते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा फ़ोन को भी 1 पॉइंट मिले। अगर फ़ोन के फ़ोटो में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, लाइक यू नो फ्लॉज तो सब में होती है, लेकिन अगर फ्लॉज ज़्यादा हैं तो उसको हम 0 पॉइंट देते हैं। फर्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं कलर एक्यूरेसी, किस फ़ोन में कलर्स बढ़िया आते हैं। लाइक अगर हम आउटडोर में फ़ोटोज़ लेते हैं, यहाँ पे हम कलर्स चेक करते हैं, कंट्रास्ट डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम जो रिज़ल्ट देखें, स्लाइट आपको वेरिएशन सब में मिलेगा, लाइक ऑनर स्लाइटली वार्मर है, और अदर फोन्स देखें जैसे कि वन प्लस, नथिंग, ये सारे थोड़े थोड़े आपको बिट ऑफ ओवर सैचुरेटेड ज़्यादा नज़र आएंगे। वन प्लस में प्रॉब्लम क्या है कि वो ओवर एक्सपोजर ज़्यादा कर दे रहा है, सीन्स थोड़े ब्राइट आ रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट शॉट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आउटडोर कंडीशन में वो IQ में। तो मैं आपको ब्राइट फ्लावर से दिखाया ताकि आपको ज़्यादा अंदाज़ा लग जाए कि कैसे शार्प कलर्स आते हैं। स्पेशली अगर हम IQ की बात करें, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर शॉट में देख सकते हैं जो शेडोज़ में डिटेल्स मेंटेन हो रही हैं, सबसे बेस्ट डिटेल्स IQ में आ रही। इवन और किसी फोन में आप शेडोज़ में डिटेल देख ही नहीं पा रहे, दैट्स रीज़न हमने IQ के यहाँ पे सबसे बेस्ट शॉट लिया है। तो 1 पॉइंट फॉर दी IQ न्यू 7 प्रो इन दी आउटडोर कलर्स। अब गाइस इंडोर में कलर्स चेक करें, लाइक अगर आप यू नो आर्टिफिशियल लाइटिंग्स में फोटोज लेते हैं, लाइक पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, तो आपका कपड़ा किसमें सबसे अच्छा निकल के आएगा। तो मेरे पास कुछ कलरफुल बॉल्स हैं, वुडन बॉल है, नॉट दी प्लास्टिक। तो यहाँ पे हम कलर ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट टू बी फैक्ट चारों फोन क्लोज नहीं है बिकॉज स्टूडियो में और इंडोर में लाइटिंग ज़्यादा होती है, थोड़ा वेरिएशन सब में होता है। अब लेकिन पॉइंट ये होता है कि कौन सा फ़ोन सबसे कम वेरिएशन दिखा रहा है। तो आपने कई कलर्स देख लिए, जो ऑनर में शॉट है वो सबसे कम वेरिएशन में, लाइक क्लोज टू नेचुरल ज़्यादा रिजल्ट इसी में आएगा, एग्जैक्टली इसमें भी नहीं है। एंड जो बिहाइंड द वॉल्स है और चीज़ें, वो सारी सबसे बढ़िया आपको ऑनर में नज़र आ रही हैं। दैट्स वाई इंडोर कलर्स में ऑनर को +1 पॉइंट, अदर फोन्स उतने परफेक्ट है नहीं, जस्ट लाइक दी ऑनर यहाँ पे था। अब चलिए गाइस पोर्ट्रेट देख लेते हैं, किस फोन में बढ़िया पोर्ट्रेट आ रहा है। यहाँ पे पोर्ट्रेट में देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट ऑफ कोर्स जो एज डिटेक्शन है वो कैसा आ रहा है, प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से कितना सेपरेटेड है और बैकग्राउंड डिटेल्स कितनी मेंटेन है। शॉट आपने देख लिया, यहाँ पे अगेन आप जो विनर देख रहे हैं, अगेन तो नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें मिल रहा है, वन प्लस में शॉट यहाँ पे सबसे अच्छा है, समहाउ अभी भी लगता है ऑक्सीजनस के कूल फीचर्स बचे हुए हैं। अदर फोन्स में आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, नथिंग में शॉट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन आप देखेंगे स्पेक्स के अराउंड वहाँ पे हल्का सा एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम लग रही है, यानी कि सॉफ्टवेयर उतना इंप्रूव नहीं। बाकी कंट्रास्टी फोटो है, अगर आपको थोड़ी सी कंट्रास्टी फोटो अच्छी लगती तो नथिंग ठीक है। बाकी IQ में प्रॉब्लम क्या है कि लाइक आपने पोर्ट्रेट ले लिया, बाय डिफॉल्ट IQ में जानते हैं बोके डिसेबल है, तो आपको वो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, आपका मूवमेंट भी हो गया, तब आप बंदे को बुलाते रहेगा, पोर्ट्रेट खींचते रहेगा। ऑनर में भी कहानी क्या होगी, थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर बढ़ गया, लाइक ISO बहुत बढ़ा दिया गया है और शॉट अच्छे नहीं आ रहे हैं। 1.2
वन प्लस फॉर दी पासपोर्ट रेट। अल्ट्रा वाइड भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ये देखना है कि मेगापिक्सल किस में ज़्यादा है तो उसे क्या एडवांटेज मिल सकता है। लाइक वन प्लस और आई क्यू में आपने देखा सिंपल ओल्ड 8 MP है, लेकिन नथिंग में सबसे ज़्यादा है 50 फॉलोड बाई जो ऑनर है वहाँ पर 12 MP है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट्स आप क्लियरली समझ गए, डिटेल्स और कलर्स एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी आ रही है ऑनर में एंड नथिंग में। बाकी दोनों में प्रॉब्लम देख ली, चूँकि दोनों फ़ोन अच्छे हैं तो यहाँ पे हमें दोनों फ़ोन को प्लस वन पॉइंट देना पड़ेगा, ऑनर एंड दी नथिंग दोनों फ़ोन को। अल्ट्रावाइड दोनों में बहुत ही अच्छा आ रहा है। ऑलराइट गाइस, जूमिंग कैपेबिलिटी किसी भी फ़ोन में यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस नहीं है, लेकिन फिर भी किस फ़ोन से आप डिजिटली बढ़िया जूम कर सकते हैं। हमने कुछ स्टेप्स में नहीं रखा है, लाइक 1x, देन 2x, देन 5x, देन 10x। अगर आप इस तरह यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि अगेन सरप्राइजिंग ऑनर में डिटेल्स बड़े ही अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि आपने आईक्यू देखा, डिटेल्स थोड़े से मिस हैं, मे बी शायद हमने प्रॉपरली कैप्चर नहीं किया था, उस दिन बहुत धूप थी। नथिंग में भी देखें तो इवन दो मेगापिक्सल इतना ज़्यादा सेंसर के पास है, लेकिन फिर भी डिटेल्स प्रॉपर नहीं आ रही, चूँकि नथिंग कंट्रास्ट बढ़ाता रहता है जनरली, तो फोटो से थोड़ी डल फील हो रही। वन प्लस में अगेन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ISO बढ़ा दिया गया है, ऑनर यहाँ पे मेंटेन है। सो अभी फिलहाल के तौर पे मैं आपको वन पॉइंट ऑनर को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्या, लाइक जूमिंग कैपेबिलिटीज में ऑनर को वन पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन आईक्यू को मैं वन पॉइंट और देना चाहूँगा। वो इसलिए कि अगर आप देखेंगे आईक्यू में अप टू आप 20x तक जूम कर सकते हैं, और इन 20x आप देख सकते हैं क्वालिटी कितनी बढ़िया निकल के आ रही है। तो अगर आप प्रॉपरली जूम करते हैं फोकस करके तो आईक्यू से बहुत अच्छे शॉट ले सकते हैं। तो बोथ आईक्यू एंड दी ऑनर प्लस वन पॉइंट। थोड़ा सा लो लाइट में टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं एंड यहाँ पे रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे कि विदाउट नाइट मोड, लाइक जस्ट यूजुअल नाइट मोड ऑफ करके शॉट ले, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बेस्ट शॉट निकल के आ रहा है वन प्लस में, सोनी MX890 बहुत ही बढ़िया सेंसर है एंड अच्छा खासा आप यहाँ पे शॉट ले सकते हैं। बाकी सारे फोन देखेंगे थोड़े से डार्क ज़्यादा हैं, आईक्यू में समहाउ थोड़ा सा पीलापन वार्मर टोन ज़्यादा हो जाता है। सो विदाउट नाइट मोड में अगर हम अच्छी शॉट लेना चाहते हैं तो प्लस वन पॉइंट टू द वन प्लस। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत से लोग स्टिल शॉट लेते हैं टाइम लगा के नाइट मोड ऑन करके लेते हैं, बिकॉज अब ये अलग फीचर दिया जाता है तो उसके बारे में हम अलग से कैटेगरी बना रखे हैं। इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तीनों फ़ोन बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेप्ट आईक्यू। यहाँ पे कलर वलर बड़ा चेंज हो गया आईक्यू में, लेकिन बाकी तीनों फ़ोन ऑनर नथिंग एंड दी वन प्लस इन सब में शॉट बहुत अच्छी आ रहे हैं। ऑनर में क्या है कि थोड़ा सा देखेंगे फोटो हल्की सी आपको डार्क नजर आएगी, लेकिन जो आप वहाँ पे डबीज देख रहे हैं ना उनमें डिटेल्स बहुत ही अच्छी मेंटेन है, दैट्स व्हाई ऑनर को भी हमने प्लस वन पॉइंट दिया है। ज़्यादा सेल्फीज क्लिक करते हैं तो कौन सा फोन सेल्फी में, वैसे आप देखेंगे सबसे बढ़िया सेल्फी जो निकल के आ रही है वो नथिंग फोन 2 की है, बहुत ही अच्छे डिटेल्स आ रहे हैं, बियर्ड सब कुछ बहुत ही तगड़ी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे प्लस वन पॉइंट टू नथिंग मिलता है। बट होल्ड ऑन, थोड़ा सा वाइड सेल्फी लेते हैं। यहाँ पे जो वाइडेस्ट सेल्फी आ रही है वो आ रही है ऑनर 90 में, दैट्स वाई प्लस 1.2 ऑनर, बिकॉज अगर आप सुपर वाइड सेल्फी लेना चाहते हैं ना तो आपको सबसे बढ़िया आपको यहाँ पे मिल रहा है ऑनर में, इसीलिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया। बाकी अदर फोन्स की सेल्फी उतनी कूल है नहीं। सेल्फी भी ले लिया, पोर्ट्रेट भी टेस्ट कर लेते हैं। सेल्फी पोर्ट्रेट अगेन ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सबसे बढ़िया आप देख सकते हैं नथिंग फोन 2 में है, प्रॉपर एज डिटेक्शन है और कलर्स भी बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। लाइक ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफिकेशन नहीं है, आईक्यू में आपने देखा काफ़ी ब्यूटी दिखाई पड़ रही है। वन प्लस भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट शॉट जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे नथिंग फोन 2 का है, प्लस 1.2 नथिंग। फटाफट हम हायर मेगापिक्सल के शॉट भी ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल यहाँ पे है ऑनर 90 में, फॉलोड बाई 50-50 सब में दिया गया है। एनीवेज, स्ट्रेट शॉट आप देख सकते हैं पीछे फिनिक्स पेलासियो है। यहाँ पे आप देखेंगे एक जो सेंटर टावर है यहाँ पे जो ईगल है उस पे हम फोकस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं किस में सबसे बढ़िया डिटेल दे सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा तो लॉजिक आपने लगा दिया होगा, जिस फ़ोन ने मेगापिक्सल ज़्यादा होता है अगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए तो शॉट बहुत ही अच्छी आती है। लाइक जस्ट इस मोमेंट पे देखें तो 200 मेगापिक्सल जो ऑनर में है वो सबसे बढ़िया शॉट निकाल के दिखा रहा है। लाइक डिटेल्स भी बहुत अच्छी, जो एक्चुअल ईगल है उसकी डिटेल बहुत अच्छी है। वैसे डिटेल वन प्लस से भी ठीक है, लेकिन जो और डिटेल्स है बिल्डिंग की, मिरर की, इवन जो सामने पेड़ लगे हैं उसमें आप देखेंगे बहुत ही प्रॉपर डिटेल्स आ रहे हैं शेडोज़ में ऑनर 90 में। तो ज़्यादा मेगापिक्सल को प्रॉपरली यूज़ करने की वजह से प्लस 1.2 ऑनर इन दी हायर मेगापिक्सल। काफ़ी कैटेगरीज हमने कंपेयर कर ली, अब चलिए थोड़ा पॉइंट भी जोड़ लेते हैं।
थोड़ी मेरी गणित उतनी स्ट्रांग है नहीं, फिर भी अगर हम जोड़ें इस तरह से, ऑनर को मिलते हैं 6 point, नथिंग को मिलते हैं 4 point, वन प्लस को मिलते हैं 3 point, एंड दी आई क्यू को मिलते हैं 2 point. सरप्राइजिंगली ऑनर समहाउ सबसे ज़्यादा पॉइंट निकल के आ रहा है. ये तो थी गाइस फोटोज़ की बात. अब चलिए वीडियोज़ की बात कर लेते हैं. 4K 30 की वीडियो आप सभी फ़ोन्स में बना सकते हैं. यहाँ पे दो फ़ोन बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं, जैसे कि नथिंग एंड दी ऑनर. वन प्लस के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आप देखेंगे यहाँ पे अगेन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओवर एक्सपोजर बढ़ा हुआ है. जैसे कि रोड आप देखेंगे बहुत ब्राइट हो गई है, सड़क आप जानते हैं अपने देश की कैसी थोड़ी ग्रे होती है, ग्रेफाइट कलर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा एकदम मिट्टी वाली सड़क सी हो गई है. आई क्यू में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, कलर हल्का सा ग्रीनिश यहाँ पे ज़्यादा टोन हो जा रहा है, तो वो थोड़ा सा अननेचुरल आपको फील हो सकता है. लेकिन ऑनर एंड नथिंग में क्वालिटी अच्छी, डिटेल्स अच्छी हैं. अब बेस्ट पार्ट क्या है कि ऑनर में कोई भी OIS नहीं, लेकिन फिर भी यूजिंग EIS वीडियोज़ काफ़ी सही बन रहे हैं. प्लस वन पॉइंट बोथ टू ऑनर एंड दी नथिंग फॉर दी गुड वीडियोज़. अब आ जाते हैं 4K 60 में. एक्सेप्ट ऑनर के अदर 3 phones में आप 4K 60 के वीडियोज़ बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ OIS, तो ऑफकोर्स आपको बेटर क्वालिटी वहीं मिलेगी. सो ऑनर यहाँ पे कट जाता है बिकॉज 4K 60 यहाँ पे है नहीं. सो प्लस वन पॉइंट टू नथिंग फॉर दी बेटर वीडियोज. तो इस तरीके से गाइस जोड़ा जाए, फाइनल पॉइंट बनते हैं 7, 6, 3, 2. दैट्स अ सुपर सरप्राइजिंग, मैंने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था. इनिशियली मैंने फ़ोटोज ली तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन सारे फ़ोन से हमने फ़ोटोज़ हमें फ़ोन से लिए हुए कलेक्ट किए, क्लोजली डिटेल्स देखे, तो सबसे विनर निकल गया रहा, वो निकल गया रहा है ऑनर फॉलोड बाई नथिंग. अब चूँकि ऑनर सबसे कम प्राइस में यहाँ पर है, दैट्स वाई ये एक बढ़िया कैमरा फोन है. और विद टाइम जैसे इसमें और अपडेट्स आएंगे तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा निकलेगा. अब आपने प्रो फोन से कंपैरिजन देख लिया, स्टे ट्यून. हम थोड़े से कम फोन के भी, कम प्राइस के भी फ़ोन लेंगे, जैसे कि मोटरोला हो गया, रियलमी हो गया, लाइक 20, 25, 30 के फ़ोन कैसे परफॉर्म करते हैं. स्टे ट्यून फॉर दैट. थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो.